Z5 पर पूरा एपिसोड फ्री में देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें। मयंक जी, कैसी कट रही है? कहीं कोई तकलीफ तो नहीं आपको? अगर कोई कमी है तो हमें बताइए। रुकिए मयंक जी, हम आपकी मदद करने आए। हमसे आपको इस दुख में देखा नहीं जा रहा है। मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। ओके, तुम यहाँ से जा सकती हो। जस्ट गो। मयंक जी, आपको पता है दहेज के केस में 3 साल की सजा हो सकती है और जुर्माना अलग भरना पड़ता है। आप 3 साल यहाँ रहने के लिए तैयार हो भी जाते, लेकिन आपके मम्मी पापा का क्या? क्या वो ये दुख सहन कर पाएंगे? तुम्हारा और मेरा रास्ता ना कभी एक था और ना कभी हो सकता है। तुम चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन मेरा फैसला कभी नहीं बदलेगा। चाहे दुनिया यहाँ की वहां जाए, लेकिन ये तलाक हो के रहेगा, समझी? आप हमें आकर दिखा रहे? हमें तकलीफ देंगे चारू को? आपने अपनी मौत का कट्टा खुद खोदा मयंक जी। अगर हमने अपनी कंप्लेंट वापस नहीं ली ना, आपके साथ क्या क्या हो सकता है? तलाक तो बात की बात है, उससे पहले ही हम आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे, कहीं का नहीं। कहीं का तो मैं वैसे भी नहीं रहूंगा चारू, जब तक मुझे तुमसे और इस रिश्ते से छुटकारा नहीं मिल जाता। तुमने मुझे जितना मर्जी ब्लैकमेल करना हो ना, कर लो, लेकिन तुम्हारे साथ मैं एक पल भी नहीं रह सकता। It's all over for me. The end, okay? क्या कह रहे हैं वकील साहब? जमानत मुमकिन नहीं? सारे के सारे इल्जाम बेबुनियाद हैं, झूठे हैं। हमारे यहाँ बेटी और बहू एक समान है, पर कानून भी किस लड़की की बात पर यकीन कर रहा है जिसने होली में सरेआम हमारी बेटी के चेहरे को खराब करने की चाल चली थी? देखिए दयाल साहब, समझने की कोशिश कीजिए, ये केस बहुत पेचीदा है। मैं आपको बता दूं, ये दहेज का केस इतनी टेढ़ी खीर होता है कि इसमें सिर्फ लड़की और उसके परिवार की सुनी जाती है, और इस केस में तो लड़की के जलने का भी इंसिडेंस है। आई एम वेरी सॉरी टू से दयाल साहब, ये केस अभी लंबा चलेगा। और रहा सवाल जमानत का, तो वो अभी तो पॉसिबल नहीं लगती मुझे। वकील साहब, असली मुजरिम सरेआम बाहर घूम रहा है और हम बेगुनाहों की कोई पूछ ही नहीं है। लेकिन दयाल साहब, इन केसेस में लड़की के बयान की ज्यादा अहमियत होती है। हमारा पलड़ा बहुत कमजोर है। यानी कि अब कोई रास्ता नहीं है? जो भी कर सकती है शायद वो चारों ही कर सकती है। चारू? कैसे भाई साहब? अगर वो अपनी शिकायत वापस ले ले तो प्रभु, सीमा और मयंक छूट सकते हैं। वरना कोई उम्मीद नहीं। वो तो होने से रहा भाई साहब। सुबह से उनके घर वालों को फोन किए जा रहे हैं, लेकिन कोई जवाब ही नहीं। यहाँ तक कि संगीता उनके घर तक मिलने भी गई, लेकिन बाहर कोई मिलने तक नहीं आया। बाप रे, बस अंगारे बरसने की देर है, सबके चेहरे से गुस्सा टपक रहा है। और सब हमसे गुस्सा क्यों ना हो, इस घर की बहू ने अपने पति, सास और ससुर को जेल में जो पहुंचा दिया, कभी भी आप लोगों ने ये सोचा कि हमने ऐसा क्यों किया? उसके पीछे वजह क्या थी? हमें किसने इतना मजबूर किया ये सब करने पे? कभी बिल्ली को अपने बच्चे के साथ देखा? फिर उसे हाथ लगाए, उससे पहले ही पंजा मार देती है। हमने भी बस वही किया। नहीं चारू, तुमने ऐसा नहीं किया।
कि बिल्ली के मन में भी प्यार और रक्षा की भावना होती है जो तुम्हारे अंदर रत्ती भर भी नहीं। तुम तो मैं भैया से प्यार ही नहीं करती। अगर करती होती तो उन्हें और उनके घर वालों को ऐसे चोट नहीं पहुंचाती, कभी तकलीफ नहीं देती। सीमा चाची जी तुम्हारे आगे पीछे घूमती थी, तुम्हारा कितना ख्याल रखती थी, हम सब तुम्हें कितना प्यार करते थे, और तुमने आज ये किया। इतनी निष्ठा पर उतर आई तुम, दोषी के साथ जो भी हो उससे भी जुर्माना भरना पड़ता है। और रही बात तुम्हारे प्यारे भाई की, तो उनसे हम प्यार कैसे करें? उनका दिल तो कहीं और अटका हुआ है, इस घर में तुम्हारी बहन पे। बंद करो ये सब और फौरन इस घर से निकल जाओ। हमें तुम्हारे किसी भी मदद या किसी सलाह की जरूरत नहीं है चारू, निकल जाओ इस घर से। अगर महन जी हमारे नहीं हो सकते तो वो किसी के नहीं हो सकते। अच्छा सिद्धि के बच्चे में चाकी पीसे। गुंजन, पढ़े लिखे लोग, अच्छे घर के लोग ऐसा कर सकते हैं? मुझे तो दुख से ज्यादा गुस्सा आ रहा है उस पर। उसकी हिम्मत तो देखो, बीच रात यहाँ चली आई, हम सबको धमकाने, अपनी शर्तें रखकर चली गई। समझती क्या है वो अपने आप को रचना? यही चारू की असलियत है गुंजन, घटिया, खुदगर्ज, बदतमीज। सच कहे तो हमें उसकी हरकत पे कोई हैरानी नहीं हुई। पता है मेरा तो मन कर रहा है पुलिस में उसकी रिपोर्ट कर दूं मैं। गुंजन, अब बस मयंक भैया, सीमा चाची और प्रभु चाचा को कैसे भी करके बाहर निकालना है। भगवान करे वो जल्द से जल्द घर लौट जाए। वकील जी की बातें सुनकर तो हमें और डर लगने लगा है, पता नहीं क्या होगा। डरो मत रचना, अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। तुम देखना, अंकल, आंटी, मयंक सब सही सलामत घर वापस आएंगे। अगर हम आपको कुछ बताएंगे तो हम बिल्कुल सहन नहीं कर पाएंगे। आपकी लाडली बेटी के साथ ऐसा सलूक हो रहा था। चारू, इतना सब कुछ हो गया क्या मयंक को किसी ने कुछ नहीं कहा? नहीं पापा, मयंक जी से किसी ने कुछ नहीं कहा, ना ही उन्हें कुछ समझाया। मयंक जी किसी की नहीं सुनते, बस अपनी मर्जी की चीजें करते हैं। और देखिए ना, सबकी आंखों के सामने उस गुंजन से चक्कर चल रहा है। हम दिन रात भगवान से प्रार्थना करते रहते कि मयंक जी की अकल ठिकाने आ जाए, वो ठीक हो जाए। लेकिन नहीं पापा, वो ठीक नहीं हो रहे। उन्होंने कभी हमें अपनी पत्नी नहीं माना। और ये देखिए उन लोगों ने हमारे साथ क्या किया। वो तो भगवान का आशीर्वाद था, हमारी जान बच गई। नहीं तो आप उनके इरादे जानते ही है ना। उनकी इतनी हिम्मत, मैंने क्या सोचकर उस खानदान में तुम्हारी शादी की थी और वो लोग क्या निकले? पहले भी आप ही का सहारा था भगवान, अब इस मुश्किल से आप ही हमें बाहर निकालो। ऐसे दिन इस घर पर तो क्या किसी दुश्मन के घर पर भी ना आए। बस हमारी मदद करो, हमें संकट से बाहर निकालो भगवान, हमारी मदद करो। मम्मी, हम आपकी मदद कर दें? नहीं बेटा, हम कर देंगे। नहीं मम्मी, आप अकेले कितना करेंगे? लाइए, हमें दे दीजिए। ठीक है, ये सब्जी काट दो। शादी के इतने सालों में तुम्हारे पापा को इतना परेशान हमने कभी नहीं देखा। हम जैसे मध्यम परिवार के लोगों के लिए पुलिस का आना कोई सोच भी नहीं सकता था। धन पैसा सब एक तरफ है, हमारे लिए हमारी इज्जत ही सबसे बड़ी चीज है। और अगर उस पर हाँच आ जाए तो फिर कुछ भी मायने नहीं रखता। हाँ मम्मी, पापा ने आज तक कभी किसी के सामने अपना सर नहीं झुकाया, लेकिन बेचारी गुंजन इस सब में फंस गई। चारू ने कितने चालाकी से उस पर सारा इल्जाम डाल दिया। अरे बंद करो ये रोना धोना, ना पहले ही हम कम परेशान हैं, तो तुम्हारा ये रोना भी सुने। क्या है ये, क्यों चिल्ला रहे हो सब? सॉरी,
Z5 पर पूरा एपिसोड फ्री में देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें।